दंगों में 7 लोगों की जाने गई, 18 लोग घायल। दो प्रेमियों की लाशें बोरी में बरामद हुई। लाशों की शिनाख्त करना मुश्किल होता है। काफी दिनों तक पानी में पड़ी रहने के कारण लाशें। इंदर बंद करो ना प्लीज। कश्मीर के इतना अस्पताल में 3 मौत तक पहुंचने से पहले की मैयत के कहानी भी ऐसी चटकारे लेके सुना रही लोग। अपने घर में हो ना इन लोग को। रेडियो हम इसीलिए बंद नहीं करते हैं कि तुम्हारी मुस्कुराहट देख सके। चलो हट। ये क्यों? सुबह सुबह गाली दिया ना इसलिए। अच्छा 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 अच्छा, तो सुबह सुबह गाली देना गलत है लेकिन एक डोमेस्टिक वायलेंस जो है सही है। हाँ ना जोर का मार। अरे गजल सुनो ना, मैं क्या कह रहा हूँ इंद्र, ये देखो चैन से जीने नहीं देंगे ये लोग। वापस टॉयलेट का बोर्ड लगा के रखा है ये ब्रोकर ने। निकालो। अरे रहने दो। कैसे रहने दो? अरे देखो ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। कायम ठीक है। इतने समय से बोर्ड लगा रहे से आज तक किराएदार मिला? अभी भी नहीं मिलेगा। जाने दो यार। जाने दो कैसे? जाने दो, दिस इज फकिंग शिट। फकिंग शिट गाली नहीं है? शिट गाली नहीं है, शिट इज रियलिटी ऑफ लाइफ। फकिंग इंदर, स्टॉप अनॉइंग मी। व्हाट इज स्टॉप अनॉइंग मी? दोनों के लिए अलग अलग रूल्स नहीं हो सकते। हेलो, मतलब अगर तुमने अगर अंग्रेजी में गाली दी तो ठीक है, हमने अगर हिंदी में गाली दी तो गलत। इसका क्या करूं? ये डिटर्जेंट है, हर सवेरे चाय पीने से पहले इसे मुंह कुल्ला कर लिया करो, तुम्हारा जबान साफ हो जाएगा। जबान? टीचर जी जाइए चाय बनाइए। क्या मेरा मूड खराब है? मैं चाय नहीं बनाऊंगी। आपको चाय पीनी है ना, चाय बनाइए। अच्छा, जैसे कल मैंने चाय बनाई थी, परसों मैंने चाय बनाई थी, तरसों मैंने चाय बनाई थी, आज भी जाके चाय बनाओ। कामचोर। मैं कामचोर? चाय पत्ती कौन लाता है? शक्कर कौन लाता है? दूध कौन लाता है? सब कुछ सामान कौन? और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं बस 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 चीनी डालो। कितने चम्मच? दो। मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ और तुम किसी और को ताड़ रही हो? मैं किसी को नहीं ताड़ रही हूँ, ताड़ने की आदत तुम्हारी है मेरी नहीं। तुम चलो बैठ जाओ। कहाँ? तुम चलो। एक मिनट इंदर। आज के आज ये फैसला करके रहेंगे हम। कैसा फैसला? हमें पता चल जाएगा तुमको। इंदर ये मेरी लिपस्टिक। तुम्हारी है तो अभी मेरी हो गई। हाँ, शीशा खराब हो जाएगा। 7 अगस्त डेट याद है? उस दिन तुम अपना स्कूटी बनाने अपने कॉलेज से मेरे दुकान पर आई। उससे पहले 3 और दुकान थी। हाँ? लेकिन तुम सारे दुकानों को छोड़ते हुए सीधा मेरे दुकान में आई। क्यों? तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे पीछे आई? मैडम, हमारे पीछे भी बहुत सारी लड़कियां पागल है। बहुत सारी लड़कियां पागल है? सीरियसली इतना झूठ बोलोगे तुम? ये झूठ है। हाँ? हाँ? पागल ही थी मैं जो तुम्हारे साथ भागाई। तो भगाया किसने? हाँ तो नहीं भगाते ना, मैं यूसुफ के साथ ही शादी कर लेती।
तुम जिसो के साथ शादी कर लेती? हाँ। तुम यूसुफ के साथ शादी कर लेती? हाँ। इंदर, I'm sorry. मजाक कर रही थी। बहुत ही घटिया मजाक था। I'm sorry. I'm really sorry. आइए सर, ये लास्ट अच्छी वाली प्रॉपर्टी बची है। देखिए, क्रॉस वेंटिलेशन है और बाथरूम और किचन में 24 घंटे पानी है। आइए, ये देखिए, ये किचन है, काफी जगह है, देख लीजिए। वेजिटेरियन सोसाइटी कहा था आपको, या तो बुचर शॉप पे बाहर? अब बाहर थोड़ी किसी को रोक सकते मैडम, पर अंदर सब शुद्ध सात्विक है एकदम। आई सर, आपको हॉल दिखाता हूँ। कौन रहता था यहाँ पहले? वो कॉकटेल कपल था बाबूजी। हिंदू मुस्लिम मिक्स, प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, मॉडर्न। आप घर देखिए ना, आपको पसंद आएगा। आइए सर, आपको हॉल दिखाता हूँ। आइए, ये देखिए, ये है हॉल। ये खिड़कियां, इधर से खूब लाइट आती है। अच्छा, बढ़िया। अपना सुनो, रुकरेज में 15 दिनों की दूंगा। ऐसे थोड़ी होता है सर, क्या बात कर रहे हैं। भूल गए क्या, दो मर्डर हुए ना इस प्रॉपर्टी में? वो पुरानी बात थी सर, इसीलिए तो किराया भी कम है। इतने कम में कहां मिलता है। मिसेस मान जाए तो देखते हैं फिर। पंटी, डराई दिया मतलब? कोई बात नहीं भाभी जी, बच्चा है। तो घर कैसा लगा आपको? हाँ, बाद में बात करें क्या? चल। क्या कोई प्रॉब्लम है? वो वास्तु थोड़ा ठीक नहीं है। अरे वास्तु एकदम परफेक्ट है भाभी जी। अरे बताइए ना, फोन करता हूँ आपको। भाभी जी, अरे बताइए ना क्या प्रॉब्लम है। अरे सर, ये भी गया। इंदर, उस औरत ने ऐसे कैसे कह दिया कि हमारे घर का वास्तु ठीक नहीं है? अगर उसे वास्तु पसंद आ जाता तो। हाँ, लेकिन हमारा घर है, ऐसे कैसे बोल दिया? हमें लोगों की बातों से कब से फर्क पड़ने लगा गजर? बात तो सही है। इंदर, तुम्हें क्या लगता है हमारा पता किसने बताया होगा? मुझे लगता है उस जाहिल आदित्य ने। जाहिल? अरे मुझे तो समझ ही में नहीं आता नुक्ता किसमें लगता है किसमें नहीं। गजल बोलना सीख लिया ना?
बाकी सब सीख जाओगे। गजल तो मैं पहले दिन से बोलना सीख। जरा पास बैठे जरा मुस्कुराए, हमें माफ कर दे कहीं और जाए, बताए ये पहले कमी क्या है हमें, अजी आप पर हम समय क्यों गवाए। तेरे दर पे बैठे है पल के बिछा के, कहीं और जाके ये पल के बिछाए, तो फिर ये ही कह दे मोहब्बत नहीं है, ये कहना भी हो तो तुम्हें क्यों बताए। फिर हम ही जाते हैं अब दूर तुमसे, जरा जाते जाते ये दिल लेते जाए। अच्छा, तो फिर ये ही कह दे मोहब्बत नहीं है, ये कहना भी हो तो तुम्हें क्यों बताए, हमें माफ कर दे कहीं और जाए, हमें माफ कर दे कहीं और जाए।